शनिवार देर रात बेटमा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर 141 पेटी अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी भगने में सफल हो गया। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी और जनता कर्फ्यू के चलते जहां पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, वहीं जनता कर्फ्यू के दौरान शराब माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और बेखौफ होकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार घाटा बिल्लोद की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप वाहन में अवैध शराब होने की सूचना मुखबिर के द्वारा पुलिस को मिली थी। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित होटल हाईवे ट्रीट के सामने उक्त वाहन को रोका गया। वाहन में 141 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जिसकी कीमत 7,11,000 रुपए है। पुलिस ने चालक जय के पिता रमेश कौशल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी मोनू भागने में सफल रहा। बेटमा पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।